आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लेसरो पीएसएलवीसी लिफ्ट वन की करेगा लॉन्चिंग। पीएम मोदी की तस्वीरों और नाम को भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसरो की पीएसएलवी C-51 अमेजोनिया वन मिशन का काउंटडाउन शुरू, सुबह करीब 10:30 बजे होगी लॉन्चिंग। ममता की मंत्री फिरहाद हाकिम का मस्जिद में ऐलान, जीते तो मौलाना इमामों का बढ़ेगा भत्ता, बीजेपी को वोट न देने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से बंगाल में करेंगे चुनावी सभा, कई कार्यक्रमों समेत परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी सरगर्मी, आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कांग्रेस और लेफ्ट का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग का एक्शन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को चुनाव आयोग ने हटाया। पश्चिम बंगाल में रथों में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की टीएमसी की शिकायत, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बंगाल के चुनावी जंग में पोस्टर वॉर, टीएमसी के हमले के जवाब में बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी किया, लिखा बंगाल अपनी बेटियों को चाहता है बुआ नहीं। आज पीएम मोदी करेंगे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 74वां संस्करण, कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर सकते हैं बात। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आई आम आदमी पार्टी, मेरठ में आज किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज भारतीय किसान यूनियन की सहारनपुर के लखनौर में महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को करेंगे संबोधित। पहले से ही रची गई थी लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश, पिछले साल पकड़े गए बब्बर खालसा के 2 आतंकियों के मोबाइल फोन से हुआ खुलासा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर नाराज लोगों का हंगामा, नीलवाल गांव के लोगों ने लगाया जाम, फर्जी किसानों ने बॉर्डर खाली कराने की मांग। हरियाणा के झज्जर में टिकैत के बहकावे में आई किसान, खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर, 5 एकड़ फसल बर्बाद की गई। बागपत के बामनौली गांव में किसानों की महापंचायत, इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने किया हवन। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, तमिलनाडु कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही जिले के एक बूथ अध्यक्ष के घर चाय भी पिएंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा के साथ रोहानिया में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 81 नगर पालिका के लिए चुनाव, आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। प्रैंक के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गैंग का पर्दाफाश। डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर केंद्र की सफाई, कहा कि नया नहीं पुराना है नियम, रविशंकर प्रसाद बोले जजों के फैसले पर सवाल उठाना गलत। अब तक पूरे देश में 70% स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोरोना वैक्सीन, टीकाकरण का 2रा चरण 1 मार्च से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। कश्मीर घाटी में जारी है बर्फबारी, गुलमर्ग में इतनी बर्फ गिरी कि घर, सड़क और पेड़ पौधे सब कुछ सफेद हो गए। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को किया गया बंद, -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के नाराज नेताओं की बैठक, गांधी ग्लोबल फैमिली की बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे। कार्यक्रम में बोले गुलाम नबी आजाद, और नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा कि लोग अटकलें लगाने लगेंगे। बैठक में कपिल सिब्बल ने कमजोर हो रही कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, सवालिया लहजे में कहा कि पार्टी गुलाम नबी आजाद के अनुभव को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। चुनाव ऐलान के साथ ही मिशन तमिलनाडु में जुटे राहुल गांधी, समंदर में चुपकी के बाद तूतुकुड़ी में स्थानीय लोगों के साथ ली चाय की चुस्की। इससे पहले तमिलनाडु थूथुकुड़ी में राहुल गांधी ने किया रोड शो, कारों के काफिले के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हुए शाम। तमिलनाडु में बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा कि करप्ट नहीं है इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर अटैक करती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से की बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना वैक्सीन की तय की कीमत, 1 मार्च से देश के निजी अस्पतालों में सिर्फ 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन। फिर से बढ़ने लगा कोरोना का कहर, 24 घंटे में देश में 16,000 से ज्यादा केस, 113 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,623 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अमरावती में 1 हफ्ते बड़ा लॉकडाउन, पूरे शहर में छाया सन्नाटा, 8 मार्च तक लागू रहेगी शराब शहरबंदी।
बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर एयरफोर्स का जाबाजी वाला अभ्यास, वायुवीरों ने फाइटर्स से टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। कर्नाटक के न्यू विजयनगर में वकील की हत्या की गई, कोर्ट परिसर में धारदार हथियार से वकील पर हुआ हमला, लोगों ने आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके से दो बदमाश गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के पास से हथियार बरामद, कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की करना चाहते थे हत्या। दिल्ली में मासूम की हत्या पर गरमाई सियासत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा गृह मंत्रालय और एलजी को देना चाहिए जवाब। महाराष्ट्र के भिवंडी में सांसद कपिल पाटिल की कार में लगी भीषण आग, पार्किंग एरिया में खड़ी थी कार। पति और ससुराल वालों से तंग आकर अहमदाबाद में हंसते हंसते नदी में कूद गई विवाहिता, मौत से पहले शेयर किया वीडियो। यूपी के आगरा में एक बार फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, शादीशुदा मुस्लिम युवक ने नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर किया अगवा। पाकिस्तान की सिंध में पैदा हुई लक्ष्मी पहली बार इंदौर में अपने दादा दादी से मिलेंगी, लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंस गया था भारतीय परिवार। महाराष्ट्र के नासिक में स्निपर्स स्पाइक को पुलिस ने सम्मान के साथ किया रिटायर, नासिक सिटी पुलिस फोर्स ने बम डिटेक्शन दस्ते के लिए करता था काम। उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी पर बनी कृत्रिम झील के मुहाने को एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने खोला, झील के दबाव को कम करने और किसी अनहोनी को टालने के लिए फैसला लिया गया। एसपी नेता अनिल यादव का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, पार्टी पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया, कहा पार्टी के लोगों ने की पत्नी से अभद्र टिप्पणी। नोएडा में घर के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मौके से पुलिस ने चार लड़कियों समेत 11 आरोपियों को दबोचा, भारी मात्रा में शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी महिला थाने की स्थापना। दमोह के किसानों को शिवराज सरकार का तोहफा, किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की सौगात। गुर से भक्त से कांग्रेसी बने बाबूलाल पर पार्टी में घमासान जारी, बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का काफिला रोका।